भारत ने यार साउथ अफ्रीका को भाई घर में घुस के यार 2-1 से भाई सीरीज हरा दे भाई। क्या आदर तरीके से भारत ने भाई साउथ अफ्रीका को सीरीज हराया यार। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। भाई हमारे इंडिया की भाई बी टीम थी भाई, अगर बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो, रोहित शर्मा, विराट कोहली होते तो भाई यार साउथ अफ्रीका को यार पिछली बार जैसे भारत ने यार 5-1 से भाई विराट कोहली की कप्तानी में हारा था ना भाई, उसी तरह भाई यार आज हराता भाई अगर और मैच रहता तो, अगर ये सब प्लेयर और रहते तो यार। लेकिन भाई बी टीम से यार साउथ अफ्रीका वाले हार गए भाई। भाई यार साउथ अफ्रीका सोचा कि यार पहले बैटिंग कराएंगे भारत को, फिर यार 250 रन पे ऑल आउट कर देंगे, फिर यार आके आराम से चेस कर ले जाएंगे। लेकिन भाई आज का भारत वो नहीं था दोस्तों। आज भारत ने भाई 296 रन पे 8 विकेट गवाए। लेकिन यार संजू सैमसन का क्लासिक बैटिंग देखने को मिला। क्या बैटिंग की भाई संजू सैमसन यार, लाजवाब यार। रजत पाटीदार आउट हो गए, साई सुदर्शन आउट हो गए, हमारे कप्तान साहब केएल राहुल आउट हो गए, उसके बाद संजू द पावर हिटर का बैटिंग चला भाई। क्या क्लासिक बैटिंग संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने की यार। सही बात है, दिल जीत लिया भाई संजू सैमसन ने भाई जिस तरह आज बैटिंग की भाई। पहला सेंचुरी भाई अपने इंटरनेशनल करियर में मारा भाई ओडीआई का यार। शाबाश संजू सैमसन ने यार सेंचुरी मार के ये बता दिया कि भाई अगर मौका मिले ना तो भाई मौका का इस्तेमाल पूरी अच्छी तरीके से कीजिए। उसी तरह भाई संजू सैमसन ने इस्तेमाल किया दोस्तों। एक ऐसा तो भाई संजू सैमसन का ऐसे ही मौका नहीं मिलता, लेकिन जब मौका मिलता है तो भाई बहुत अच्छा है, बेनिफिट उस चीज का उठा लेता भाई। सेंचुरी यार 108 रन भाई 113 बॉल पे भाई, ये बढ़िया था गुरु। जहां पे भारत को पार्टनरशिप की जरूरत है वहां पे तिलक वर्मा, संजू सैमसन ने पार्टनरशिप दिलाया भाई। तिलक वर्मा पहले भाई स्लो खेले, 44 बॉल में भाई 14 रन पे थे, लेकिन उसके बाद यार जो धोना शुरू किया ना भाई साउथ अफ्रीका भूल ही नहीं सकता यार, जिस तरह भाई तिलक वर्मा संजू सैमसन ने धुलाई की यार। समझ रहे हो आप, गजब लगा यार आज, गजब मैच था भाई एकदम यार, बवाल मैच यार। तिलक वर्मा ने भी 52 रन बनाए, ऊपर से यार हमारे रिंकू सिंह द फिनिशर, जिस मैच में वो होंगे गेम फिनिश करके ना जाए ऐसा कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता दोस्तों यार। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। अपने दूसरे मैच में यार ओडीआई के भाई यार 38 रन की पारी खेली भाई, फिनिश करके गेम दिया भाई। क्या फिनिश करके दिया, वो तो बाउंड्री बड़ी थी नहीं तो भाई 300+ जाता ही जाता भाई। बाउंड्री पे यार रेजा हेंड्रिक्सन भाई यार रिंकू सिंह का भाई कैच पकड़ा है तो वो भी 6 था भाई, जिस तरह वो शॉट खेलते हैं, अगर वो इंडियन पिच होता ना तो पक्का वो छक्का ही जाता। बात तो सही है। केएल राहुल ने यार ये सीरीज जीता कि ये प्रूफ कर दिया कि भाई अगले आने वाले कप्तान रोहित शर्मा के बाद वही रहेंगे दोस्तों। हार्दिक पांड्या को भाई बीसीसीआई को कप्तान नहीं बनाना चाहिए भाई, केएल राहुल को बनाना चाहिए भाई। केएल राहुल ने यार प्रूफ करके बताया भाई यार, पहले तो जिम्बाब्वे से सीरीज जीत के, फिर यार घर में बांग्लादेश को हराया, फिर यार साउथ अफ्रीका को हराया दोस्तों, फिर यार ऑस्ट्रेलिया को भाई सीरीज हराया यार। बात तो सही है। केएल राहुल भाई कप्तानी करने के लिए एकदम यार फिट बैठ रहे हैं भाई इंडियन क्रिकेट टीम की यार, जिस तरह भाई वो कैप्टेंसी कर, जिस तरह भाई अपने बॉलिंग यूनिट का यूज करते, जैसे बॉलर्स कास्ट देखिए अर्शदीप सिंह का भाई क्या यूज किया भाई, 4 विकेट अर्शदीप सिंह ने लिया भाई, गजब यार अर्शदीप सिंह। इसके पिछले मैच में भाई 5 विकेट उखा रहा था और अगले मैच में भाई 4 विकेट यार। सही बात है। ये सीरीज में भाई अर्शदीप सिंह चमके हैं भाई, पहले T20 मैचों में हमेशा चमकते थे भाई, लेकिन अब यार वनडे में भी यार उनका चमकना जाहिर है भाई, जिस तरह भाई साउथ अफ्रीका की सीरीज में यार उन्होंने बॉलिंग किया, चाहे T20 सीरीज में चाहे ODI सीरीज में भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। आवेश खान ने भी विकेट लिया भाई, अक्षर पटेल ने लिया, वाशिंगटन सुंदर ने लिया भाई, हर बॉलर ने विकेट लिया एक मुकेश कुमार को छोड़ के यार, लेकिन बॉलिंग बहुत मस्त हुई आज यार। भाई पिछले मैच में भाई भारत यार 211 रन पे ऑल आउट हो गए थे दोस्तों, आज यार साउथ अफ्रीका को 218 रन पे भाई भारत ने ऑल आउट कर दिया, खत्म। ये भाई हमारे इंडियन बॉलिंग का जलवा दोस्तों, बी टीम का जलवा यार, बी टीम यार साउथ अफ्रीका के घर में घुस के हरा दिया। भाई हम पूरे साउथ अफ्रीका की सीरीज में यार छोटे डॉन टेम्बा बमुमा को भाई बहुत मिस कर रहे थे भाई, उनका बैटिंग क्लासिक बैटिंग देखने में बहुत मस्त लगता है, जो कि यार 0 रन से लेकर 10 रन पे आउट हो जाते हैं भाई, वही टेम्बा बमुमा दोस्तों। वर्ल्ड कप के पूरा मैचों में भाई कप्तानी किया, एक मैच ऐसा नहीं था कि भी 50 मारा हो दोस्तों वो कप्तानसी में अपने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है सलाह, वो कहाँ चले गए टेम्बा बमुमा यार, वो रहते तो थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई किसी भी बॉलर का वो फ्री का विकेट रहता है, पहले ओवर में उनका जाना निश्चिंत रहता है। संजू सैमसन भाई क्लास, एकदम परमानेंट क्लास है भाई, उसको अगर भाई वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव की जगह मौका मिलता ना तो वो यार पक्का था कि भाई प्रूफ करके ही बताता भाई, क्योंकि यार सूर्य कुमार यादव को भाई शुरू से लेकर अंत तक मौका मिल रहा था दोस्तों, जिस तरह भाई वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे तब भी यार, अगर वही संजू सैमसन को वर्ल्ड कप के फाइनल में अगर खिलाया जाता ना भाई यार, तो कम से कम 28 रन नहीं तो भाई 50 रन तो कम से कम मारते यार, 300+ तो यार भारत को पहुंचाते ही पहुंचाते भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही यार, क्योंकि भाई देख लीजिए साउथ अफ्रीका के घर में घुस के मारना भाई पहला सेंचुरी है 3 नंबर में भाई, एक विराट कोहली ने मारा था, दूसरा यार संजू सैमसन है दोस्तों, और यार और तीसरा कोई प्लेयर ही नहीं भाई 3 नंबर पे मारने वाला भाई।
साउथ अफ्रीका के भाई घर में घुस के हराना भाई एक अलग ही जलवा है दोस्तों, एक अलग ही भाई फीलिंग देता है भाई। किसी के घर में घुस के मार के चले जाना भाई ये अलग ही फीलिंग देता है भाई। एक साउथ अफ्रीका को ही टेस्ट सीरीज था जिसमें भाई अंपायर ने बेमानी किया था, तो विराट कोहली केएल राहुल ने भाई खूब गरियाया था सुपर स्पोर्ट्स को दोस्तों। विराट कोहली ने भाई खूब गरियाया था सुपर स्पोर्ट्स को भाई, जिस तरह भाई माइक में जाके कहा था ना भाई वो सीरीज यार हम लोग कभी नहीं भूल सकते भाई। उसी तरह भाई आज का सीरीज था, एक विराट कोहली एक लौते कप्तान ने जिन्होंने भाई साउथ अफ्रीका को 5-1 से हराया है, अब दूसरे भाई केएल राहुल बन गए, किसी के औकात नहीं कि भाई साउथ अफ्रीका को यार ओडीआई सीरीज हरा दे। जलवा है हमारा इंडियन क्रिकेट टीम का भाई बायलेटरल सीरीज में जलवा रहता है भाई, वही वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल फाइनल मैच में भाई कौन सी पनौती लग जाती है भाई समझ ही नहीं आता यार। ये सब दोगलापन है हमारी भाई यार, जो इंडियन क्रिकेट टीम है भाई वो दो नहीं चार टीम बन सकते भाई, इंडिया ए इंडिया बी इंडिया सी इंडिया डी, यार चार टीम बनाएंगी ना, चार टीम भी अगर कंपटीशन में उतर जाएंगे ना तो चारों यार सबको हरा के चले जाएंगे भाई, जिस तरह का परफॉर्मेंस रहता है दोस्तों। अभी पृथ्वी शाह बचे हुए, बहुत ऐसे प्लेयर नवदीप सैनी हो गए, बहुत ऐसे प्लेयर है यार बचे ही रहते हैं भाई, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कोई घटिया प्लेयर नहीं भाई, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर यश धूल है भाई, बहुत प्लेयर कार्तिक त्यागी हो गए यार, शिवम शर्मा हो गए भाई, शिवम दुबे हो गए भाई, ये सब प्लेयर को खिलाया ही नहीं जाता भाई, ये सब प्लेयर को खिलाया ना तो भाई ऑस्ट्रेलिया वालों साउथ अफ्रीका वालों को पाकिस्तान वालों को इंग्लैंड वालों को भाई नानी याद दिला देंगे भाई, घर में घुस के हराएंगे। भाई साउथ अफ्रीका की बैटिंग में मात्र एक टॉनी डी जॉर्जी भाई वही 81 रन मारे हैं, तो उसके बाद कोई खास चला ही नहीं यार। एडन मार्कर में उनके कप्तान उसी तरह आउट हो गए भाई 36-37 रन पे भाई, और यार रेजा हेंड्रिक्स वही 10-20 रन पे आउट हो गए भाई, और यार हेनरिक क्लासन से उम्मीद था कि वो आके यार मैच जिता के लेके जाएंगे, उनको भी यार अवेश खान ने आउट कर दिया भाई, जिस तरह भाई अवेश खान ने आउट किया ना भाई लाजवाब लगा यार। साई सुदर्शन का वो कैच भाई क्या कैच पकड़ा यार, अगर वो कैच ना पकड़ता ना तो वो मैच यार हेनरिक क्लासन वहां से लेके चला जाता दोस्तों, जिस तरह भाई वो बैटिंग कर रहा था भाई। सही बात है, और डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन जैसे भाई हमारे सूर्य कुमार यादव है ना T20 उसी तरह ओडीआई का हेनरिक क्लासन है भाई। बात तो सही है। आईपीएल में देखा था भाई आरसीबी के खिलाफ क्या सेंचुरी जड़ा था दोस्तों हेनरिक क्लासन ने भाई, उसी तरह आज अगर बैटिंग करता हेनरिक क्लासन हो चाहे डेविड मिलर हो भाई किलर मिलर यार। साउथ अफ्रीका का ओपनर उतना खतरनाक नहीं है, मिडिल ऑर्डर उतना खतरनाक नहीं, लेकिन जो फिनिशर है ना भाई हेनरिक क्लासन चाहे डेविड द किलर मिलर भाई ये सबसे खतरनाक चीज है भाई, यही अगर इसका विकेट मिल गया ना तो भाई साउथ अफ्रीका एकदम खत्म टाटा बाय बाय हो जाता है, उसके बाद कोई चलता ही नहीं दोस्तों। गुड गुड आई लाइक इट। केशव महाराज को 14 रन पे यार अक्षर पटेल ने बाहर भेज दिया। अब यार टेस्ट के बारे में भाई 26 दिसंबर से भाई इंडिया और साउथ अफ्रीका का टेस्ट होगा, दो मैच के टेस्ट जिसमें भाई रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे भाई, सोम गिल भी खेलने को मिलेंगे भाई, उसमें ऋतुराज के क्वाड भी हो सकते हैं दोस्तों, श्रेयस अय्यर भी होंगे, मुकेश कुमार भी होंगे भाई, ऋतुराज को यार तीनों फॉर्मेट में भाई इस बार मौका मिला है खेलने को यार, लेकिन यार ओडीआई सीरीज में भाई वो यार मौका का इस्तेमाल नहीं कर पाए दोस्तों, लेकिन रजत पाटीदार को तीसरे ओडीआई मैच में भाई मौका मिला ना तो 22 रन मारा यार, गजब का 22 रन इंपैक्टफुल पारी खेल गए भाई, एकदम क्लासिक शॉट मारा था भाई, पहला चौका जो मारा था यार लाजवाब लग रहा था यार, एकदम दिल जीत लिया जिस तरह भाई बैटिंग की, जैसे लगा कि भाई आज यार हाफ सेंचुरी मार ही देंगे, लेकिन भाई यार वो अंदर गेंद घुस गया आउट हो गया दोस्तों। खैर लेकिन साउथ अफ्रीका की बॉलिंग तो बहुत मस्त था भाई 30 ओवर के बाद जो संजू सैमसन तिलक कॉर्नर और रिंकू सिंह ने भाई धुलाई की ना भाई साउथ अफ्रीका कभी भूले गए नहीं दोस्तों, और 2-1 से सीरीज हराया यार। साउथ अफ्रीका अपने प्राइम बैट्समैन के साथ खेल रहे थे लेकिन भाई अपने प्राइम बॉलर के साथ नहीं खेल रहे, जैसे कगिसो रबाडा हो, कर्नाल्ड कोटर्जी हो भाई, एनरिक नोकिया हो दोस्तों, ये सब बॉलर के साथ वो नहीं खेल रहे थे, मार्को जेंसन हो भाई ये सब बॉलर नहीं था, इसलिए शायद ये भी हो सकता है भाई भारत इतना रन बना दिया नहीं तो भाई भारत भी इतना रन नहीं बनाता। तूने क्या मेरे को ये ना समझा, क्योंकि हमारे मेन मेन खिलाड़ी तो भाई जैसे केएल राहुल आउट ही हो गए थे दोस्तों, केएल राहुल तो हमारी जान है भाई। खैर आपको मैच कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट जरूर बताइएगा भाई, संजीत सैमसन का एक सेंचुरी जरूर बताइएगा कि भाई आपको कैसा लगा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा दोस्तों, तब तक ले बाय बाय दोस्तों।